नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर अक्सर विवाद होते हैं, अक्सर चर्चाएं होती हैं, अलग अलग तरीके की वार्तालाप जो है तमाम सपोर्टरों के द्वारा की जाती है। लेकिन आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें फैल गई है कि अब क्या ही कहना है। कई लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, कई लोग मैसेज कर रहे थे कि भैया खेसारी लाल यादव पवन सिंह विवाद पर कुछ बोलिए, अपनी राय दीजिए, आप भी कुछ बोलिए, क्योंकि आप खेसारी लाल यादव की खबर बनाते हैं, खेसारी लाल यादव की जानकारी देते हैं, तो आप भी कुछ ऐसा बोलिए कि विरोधियों को मिर्ची लगे। तो अरे भाई सुनो, मेरा जो चैनल है ना, मैं चैनल चलाता हूँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जानकारी देने के लिए, भोजपुरी की खबरें देने के लिए। हाँ, ये सच है कि खेसारी लाल यादव के बारे में ज़्यादा मैं जानकारी देता हूँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर हमारा भोजपुरी भाषा, भोजपुरी समाज और भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर कोई भी निचतम स्तर तक अपनी बातों को रखे तो मैं उसका विरोध करूँ या फिर मैं उसका सपोर्ट करूँ। मुझे लगता है कि मेरी नज़र में इस तरीके की छोटी चीज़ों पर, मतलब मैं छोटी चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पर तूल ही नहीं देना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, वो क्या बोल रहा है, उसका मैनेजर क्या बोल रहा है, उसका सेक्रेटरी क्या बोल रहा है, उसका करीबी क्या बोल रहा है, उसका मैनेजर क्या बोल रहा है। इस बातों को तूल देने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है कि भोजपुरी में गंदगी फैलाना। मतलब जितनी गंदगी है उतनी तो है ही, आप बोलकर और भी ज़्यादा फैला दें। और मैं इस चीज़ पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मेरा काम है खबर चलाना, मेरा काम है जानकारी देना, मैं उस जानकारी को देता हूँ। कई लोग कह रहे थे कि आप एल्बम की जानकारी दे रहे हैं, लोग विवाद फैलाकर व्यूज़ बटोर रहे हैं, तो बटोरिए व्यूज, मुझे व्यूज़ नहीं बटोर रहा है भैया। मुझे सच्चाई के साथ काम करना है, मुझे ट्रूथ के साथ काम करना है, मुझे अपना एक ऐसा छवि बनाना है कि लोगों के नज़र में जब मैं बैठ सकूं तो सामने से फेस टू फेस आँख से आँख मिलाकर बात कर सकूं और उनसे बहस कर सकूं अच्छे तरीके से। ये नहीं कि कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई साला पता नहीं किस किस एब्यूजिंग टर्म का इस्तेमाल कर रहा है और मैं उसका सपोर्ट करूं, कतई भी मैं नहीं कर सकता हूं। चाहे वो किसी भी सुपरस्टार का करीबी हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव, आई कांट टेल एनीथिंग अबाउट दैट कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रोवर्सी जो रहा है इस पर मैं कुछ बोलूं। और मुझे लगता है मेरा जो मैसेज आप लोगों को होगा, मेरी जो ऑडियंस मुझे देखती है, कि आप लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनिए, थोड़ा सा समझदार बनिए। आप कब किसका सपोर्ट कर रहे हैं ये आपको समझना जरूरी है। आप भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए भोजपुरी गाने सुनते हैं, ना कि किसी सुपरस्टार को आगे बढ़ाने के लिए गाने सुनते हैं। किसी सुपरस्टार के फैन होइए, मैं इसमें बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं। आप उनके गाने सुनिए, लेकिन दूसरे को आलोचना करने का आपको अधिकार नहीं है, दूसरे का राइट्स करने का आपका अधिकार नहीं है। दूसरे के विरोध में जाकर आप निचतम भाषा का प्रयोग करें वो कतई भी बर्दाश्त किसी भी समाज में नहीं है। और भोजपुरी में आजकल इतनी ज्यादा गंदगी फैल गई है कि कोई भी आकर, साला फ्री का यूट्यूब है, मुंह उठाकर कुछ भी बोल देना है, फ्री का माल है, कुछ भी आकर बोल देना है। क्या उसका परसेप्शन होगा, क्या उसका प्रोस्पेक्टिव होगा, समाज में उसका क्या असर होगा, किसी को समझना नहीं है। लोग पढ़े लिखे की बात करते हैं, हम इतना पढ़े हैं। अरे घंटा पढ़े हो, क्या पढ़े हो यार, जब समाज में तुम्हारी बातों को अपने मर्यादित शब्दों में जब नहीं कर सकते हो, अपने विरोधियों का विरोध आप एक लहजे में रहकर नहीं कर सकते हो, तो उसको मैं घंटा पढ़ाई कहता हूँ। कोई भी हो, चाहे उधर के हो, चाहे उधर के हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इन सारे मामलों पर आपको बहुत ज़्यादा प्रमुखता के साथ बोलना ही नहीं चाहिए। अगर बोल भी रहे हैं तो शब्दों की मर्यादा है भाई, शब्दों की लहजा है, उस भाषा में आप बात कीजिए ना, उस भाषा में आपको अधिकार है, आप बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर माँ बहन क्या 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 सुनने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत 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 छोटी सोच है और इस तरीके की चीज़ों को मुझे लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो शायद सपोर्ट ना करे सपोर्ट। आप गाने पर फोकस करें यार, गाने आ रहा है सुने, एंजॉय करें, काम खत्म, फिर अपना काम पर फोकस करें, फालतू की चीज़ों में मत पड़े। जो लोग विवाद फैला कर व्यूज बटोर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया है, स्वागत है, वो करें अपना काम, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, और प्रतिक्रिया दूंगा भी तो लहजे में दूंगा, शब्दों का चयन करूंगा बेहतर तरीके से। मुझे इसमें कोई भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी को गाली देकर 50,000 1,00,000 व्यूज पालूं। आई डोंट इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, तो आप लोग मेरे ही ऑडियंस हैं, तो मेरे ऑडियंस इंटेलिजेंट बने, ठीक है, ज्ञानी बने, समझदार बने, तभी मजा आएगा मेरे साथ जुड़ने का। अगर आपको अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना है तो मेरे से हट जाए, मुझे व्यूज का बिल्कुल भी शौक नहीं है। कह रहा हूं ना कि मुझे व्यूज का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं खबर बनाता हूं, मेरी पहचान खबरों से है,
ना कि किसी के गाली गलौज से, ना कि किसी के, मुझे भी मतलब मैं भी ह्यूमन बींग हूँ यार, मैं भी गाली दे सकता हूँ, मैं किसको नहीं सुना सकता हूँ। जो शब्द तमाम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सब मुझे भी पता है, लेकिन कुछ मर्यादा होती है, एक इंसान की मर्यादा होती है, और मर्यादा उस समय और भी ज़्यादा आपके लिए बड़ी हो जाती है जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपकी खबरों को सुनते हैं। और मैं अगर गाली गलौज दूंगा तो मेरा संदेश लोगों के पास क्या जाएगा, लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में, और मेरे बारे में तो छोड़िए, मैं जिसको लेकर बोलूंगा उसके बारे में क्या समझेंगे। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा जितनी भी मेरी ऑडियंस है, आप बिल्कुल भी इस तरीके की चीज़ें में मत पड़े। जो फालतू लोग खबर बना रहे हैं बनाने दो उनको, जो फालतू लोग गाली दे रहे हैं गाली देने दो उनको, सुनो, काम से निकालो, और आपको कुछ नहीं बोलना है इस पर, तभी जाकर मुझे लगता है कि आप एक सुलझे हुए इंसान बन सकते हैं। अदरवाइज लड़िए, व्यूज बटोरिए, लोग कमा रहे हैं गाली देकर, आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, करिए, कमवाइए उनको पैसा, लेकिन समाज को एक अच्छा संदेश नहीं है, और समाज में एक बड़ा विद्वेष फैल रहा है जिसकी वजह और जिसकी जिम्मेदार तमाम यूट्यूबर तमाम लोग तो हैं ही, लेकिन आप अगर साथ दे रहे हैं तो समझिए कि आप भी हैं। ये मेरा ओपिनियन था, मेरा राय था, मैं कोई भी विवाद के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बोलूँगा तो थोड़ा बहुत बोलूँगा और उसका मर्यादा रहेगा, बाकी आपकी राय इस पर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। हमारी बात से आप कितना सहमत है, ठीक है, चलिए, धन्यवाद।